नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। गुजरात के चुनावी परिणाम के रुझान अब तक अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे हैं। नतीजे आने के पहले पार्टी संयोजक केजरीवाल लंबे चौड़े दावे करते हुए पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात कह रहे थे, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी की लहर ने आपकी झाड़ू को उड़ा दिया है। पीएम मोदी के गृह प्रदेश गुजरात में बीजेपी के पक्ष में लहर नजर आ रही है। भगवा पार्टी अब तक राज्य की 182 में से 150 से अधिक सीटों पर बढ़त बना चुकी है, जबकि कांग्रेस और आप उससे मीलों पीछे छूट गए हैं। कांग्रेस 18 सीटों पर बढ़त के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बनी हुई है, जबकि आप फिलहाल केवल 7 सीटों पर बढ़त हासिल किए हैं। आपके सीएम कैंडिडेट ईशुदान गढ़वी अपनी सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। खंबालिया से मुख्यमंत्री उम्मीदवार ईशुदान गढ़वी 5 राउंड की मतगणना के बाद 6,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। ऐसे में राज्य के चुनाव नतीजे आम आदमी पार्टी के लिए क्या पॉजिटिव लेकर आए हैं? सबसे अहम बात तो यह है कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के असर को आप कम करती नजर आ रही है। एक दो वर्ष आम आदमी पार्टी को कई लोग सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित मान रहे थे, लेकिन इस धारण को झुठलाते हुए पार्टी ने पंजाब में बम्पर जीत हासिल की। यूपी, उत्तराखंड और गोवा जैसे राज्यों के विधानसभा चुनाव पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और गोवा में तो कुछ सीटों पर जीत भी हासिल की थी। अब पार्टी ने गुजरात में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। यह जरूर है कि गुजरात के निकाय चुनावों में अपने प्रदर्शन, खासकर सूरत नगरीय निकाय को देखते हुए पार्टी अच्छी खासी संख्या में जीत हासिल करने को लेकर आशान्वित थी, लेकिन यह उम्मीद अब तक पूरी नहीं हो सकी है। गुजरात में अब तक 10% से अधिक वोट मिले हैं। यह चुनाव केजरीवाल की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देंगे, जिसके लिए उसे महज 6% वोटों की जरूरत है। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।